नमस्कार दोस्तों, द स्पीड और ब्रॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल और इंटर का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं हाई स्कूल में भी ये है और इंटर में भी एक यूनिट है प्रकाश, उसमें जो है ये चीज आपको मिलेगी। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन में जो सबसे पहला शब्द है प्रकाश आखिर ये है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या कोई वस्तु हमको दिखाई देती है। जैसे ये मार्कर हमको दिखाई दे रहा है, तो जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये अपनी परछाई जो है रिफ्लेक्ट, मतलब वापस परावर्तित करती है और उसी की वजह से हमको ये वस्तु दिखाई देती है। तो अगर कोई भी पूछ लेता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर आगे है प्रकाश का परावर्तन। तो चूंकि जब भी कोई प्रकाश किसी चीज पे पड़ेगा तो वो या तो प्रकाश एब्जॉर्ब होगा, या तो प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, और या तो प्रकाश अपवर्तित हो जाएगा। तो प्रकाश जो है क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन जैसे शब्द लिखा हुआ है, तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह ले लें, अगर हम कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह ले लें, तो जब कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी तो उसका जो है अधिकांश भाग परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ठीक, क्या बताया हमने कि जब कोई प्रकाश किरण, परिभाषा समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वो परावर्तित हो जाती है, मतलब पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और ये जिस बिंदु पर मिलती है, अगर वहां पे हम लंब खींचते तो इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? इसे हम अभिलंब कहते हैं। और जो प्रकाश किरण पड़ रही है इसे आपतित किरण बोलते हैं, और जो प्रकाश किरण निकल रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। देखिए, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि गांव में जब हम लोग छत पे खड़े होते थे तो जो शीशा होता है जिससे बाल झाड़ते हैं, तो क्या करते हैं, शीशा जो है ऐसे करते हैं, तो जो दूर दूसरे छत पे खड़ा है उसको चकाचौंध लगता है। तो चकाचौंध क्यों लगता है भाई? सूर्य का प्रकाश इस पर शीशे पड़ता है और शीशे से वही प्रकाश जाके उस व्यक्ति की आंख में लगता है जो दूर खड़ा है, तो उसको चकाचौंध लगती है। तो वो किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित है। और एक चीज याद रखिएगा कि प्रकाश, जैसे परिभाषा पूछा जाए प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के लिए दो नियम क्या है, परावर्तन के नियम क्या है? देखिए, तो परावर्तन का नियम जो है कि परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। कौन कौन से? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु। क्या बताया आपने? परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या हुआ? एक ही तल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यही कोई तल है, ठीक, इसके ऊपर एक माध्यम है, इसके नीचे एक माध्यम है, ठीक, मान रहे हैं इसके ऊपर एक माध्यम है, इसके नीचे एक माध्यम है। जब कोई किरण पड़ेगी इस पर, मान लीजिए कि ये हो गई आपतित किरण, ठीक, तो इसी के सीध में यहाँ पे हमारा, अगर ये आपतित किरण हो गई तो इसी के सीध में हमारा अपवर्तित किरण भी रहेगी। अर्थात दोनों के बीच में जो हमारा, ये देखिए दोनों एक सीध में दिख रही होगी, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ऐसे नहीं रहेगी,
ऐसे नहीं रहेगी, दोनों एक सीध में रहेगा, तो वही एक तल में होते हैं। कौन कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। फिर अगला जो है दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर, ठीक। और आई का मतलब हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन। तो पहला नियम तो बता दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बताया? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान, ध्यान समझिए, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये हमारा दूसरा नियम, ठीक। तो इसमें दो नियम थे हमारे। पहला नियम ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम हमारा ये था कि आपतन कोण की मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। फिर आगे देखिए, आगे इसके बाद है कि जैसे दर्पण, चूंकि मैंने बताया कि परावर्तन किससे होगा, परावर्तन हमेशा शीशे से होता है, जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। तो दर्पण में हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा वो गोलीय दर्पण से पूछा जाएगा। जैसे दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल तो ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जो बीच में उठा हुआ रहता है। क्या बताया? कि गोलीय दर्पण का वह भाग जो बीच में उठा रहता है। बीच में क्या हो? बीच में उठा रहता है। और अवतल दर्पण में क्या हो? जो बीच में उठा रहता है, मतलब कि गोलीय दर्पण अगर यह है तो अगर इस तरह है, ठीक, तो देखिए ये उठा हुआ भाग है ना, ये उठा हुआ भाग है, ये हमारा उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण का वह भाग जो बीच में दबा हुआ रहता है और किनारे पर उठा हुआ रहता है, यानी कि बीच में दबा हुआ रहता है और किनारे पर उठा रहता है, जैसे ये, तो ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक। तो दर्पण हमारे दो प्रकार के हैं, में जो हमको पढ़ना है, एक हमको पढ़ना है उत्तल दर्पण, एक हमको पढ़ना है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है? कि बीच में उठा हुआ, यानी गोलीय दर्पण का वह भाग जो बीच में उठा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और गोलीय दर्पण का वह भाग जो बीच में दबा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो हम पढ़ेंगे क्या, एक एक करके पहले उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अवतल दर्पण पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है देखिए, चलिए अच्छा अवतल दर्पण डाल दिए। तो अवतल दर्पण का मतलब क्या हुआ? यही है हमारा दर्पण और इस पे इसका जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा P, जिसको ध्रुव बोलते हैं। और यहां से इसका जो केंद्र होता है इसको R बोलते हैं, और इसकी जो फोकस दूरी होती है इसको यह बोलते हैं। तो देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी और ध्रुव, तीन चीज आपको जानना जरूरी है। कोई भी दर्पण समझने के लिए आपको तीन चीज जानना है, क्या क्या? पहला चीज तो ध्रुव, दूसरी चीज फोकस दूरी और तीसरी चीज वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण, ठीक, गोली दर्पण हमने बताया कि जो दर्पण बनेगा वो गोली दर्पण से बनेगा। तो अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, ठीक, गोलीय दर्पण का केंद्र वही जो है ये हमारा अवतल दर्पण का केंद्र कहलाता है और इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का और गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है वही अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। मतलब अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से बना हुआ है उसी की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बताया? केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं आर से, ठीक। और ध्रुव से लेकर के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात आर का जो आधा होता है वो यह होता है। इसको फोकस दूरी से किससे लिखते हैं? यह से। और यह बराबर होता है आर अपॉन टू, याद रखिएगा, ठीक। तो तीन चीज हमने बताया, वक्रता त्रिज्या बताई, फोकस दूरी बताई और ध्रुव बताया। तो ध्रुव क्या बताया कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से बना है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से बना है उसके फोकस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं, जो कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी यह बराबर आर अपॉन टू, ठीक। तो ये चीज है, ये आज हमने इतना बताया। कल हम आगे जो है इसका जो सूत्र है वन अपॉन यह बराबर वन अपॉन भी और प्लस वन अपॉन यू के बारे में डिस्कस करेंगे और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये चीज हम कल बताएंगे। और बने रहने के लिए आप हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करिए कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें और चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।